हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एमके सिंह। आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक किंग एमके सिंह में स्वागत है। हम लोग शुरू करते हैं वन डे का न्यूमेरिकल्स। वन डे न्यूमेरिकल्स में पहला क्वेश्चन लिखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट हैज ए कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ 8 pF 1 pF इक्वल टू 10^-12 F वॉट विल द कैपेसिटेंस if the distance between them is filled, yeah, filled with a substance of substance of dielectric constant six. Dielectric constant 6. क्वेश्चन लिख लीजिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद एयर बिटवीन द प्लेट हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 pF। इसमें कैपेसिटेंस कितना है? 8 pF है। व्हाट विल द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज फिल्ड। इस कैपेसिटेंस के बीच में कितना डिस्टेंस रखा जाए विथ ए सबस्टांस डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 6, जिसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना दिया हुआ है 6। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है। C इक्वल टू 8 pF दिया है, इसको चेंज कर देंगे हम लोग फराडे में, 8 × 10^-12 फराडे। कोई दिक्कत? और C इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एस बाय डी, पढ़े हैं ना। तो C का वैल्यू दिया हुआ है 8 × 10^-12 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एस बाय डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई परेशानी? ये जनरल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एस इंटू डी। अब डायलेक्ट्रिक के लिए देखिए, हम मानेंगे यहां पर, यहां मिटा दें इसको, तो
Let a new capacitance is C1. Let a new capacitance is C1 and D1 equal to क्या हो जाएगा? बोलिए। तो जो D था उसका आधा हो जाएगा, दोनों के बीच में रखने बोला है, पैरेलल प्लेट के बीच में जो गैपिंग है एयर बिटवीन बिटवीन द प्लेट, तो मान लीजिए वो D था तो D/2 हो जाएगा। बोलिए। yes, तो एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिव बोलते होते हैं या फिर डायलेक्ट्रिक बोलते हैं, इक्वल टू के इक्वल टू 6 हमको गिवन है ना? तो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, तो हमारा एप्सिलॉन इनटू एस बाय D1। बोलिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं C1 इक्वल टू E इक्वल टू हम लोग पढ़े थे एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। बोलिए। yes, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? ई नॉट इंटू ई आर इंटू एस बाई D1। तो D1 बराबर क्या है? D/2। तो D इधर तो 2 चला जाएगा ऊपर। बोलो। अब देखो ER का वैल्यू मालूम है, लिख सकते हैं E नॉट इंटू 6 इंटू एस इंटू 2/D। तो C1 इक्वल टू क्या लिखें बता दो, 6 × 2 = 12 एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। यहां तक कोई परेशानी? अब बताओ कि एप्सिलॉन नॉट एस बाय डी का वैल्यू हमको आया था जो इक्वेशन 1 में माने थे, मिटा दे इसको। ऊपर 2 लाइन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा हमको बताओ तो, C1 इक्वल टू 12 इंटू एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी का वैल्यू कितना, 8 × 10⁻¹². बोलिए। कोई प्रॉब्लम? इक्वेशन 1 में निकाले थे ना एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी का वैल्यू। तो अब देखो C1 इक्वल टू क्या होगा, 12 × 8 = 96 × 10⁻¹². फराडे या तुम लिख सकते हो C1 इक्वल टू 96 पिको फराडे, ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है, जिस रूप में लाना है उस रूप में लेंगे। कोई परेशानी? लिख लिए? कंप्लीटेड? क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, 3 कैपेसिटर्स कैपेसिटर्स
each of capacitance each of capacitance 9 picofarad are connected in series connected in series. उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पूछ दिया है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन. इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज इज कनेक्टेड कनेक्टेड टू ए 120 वोल्ट सप्लाई तीन कैपेसिटर हम लोग को लेना है और तीनों कितना का है 9 पिको फैराडे का है. उसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं किसमें सीरीज में. तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन सबसे आसान क्वेश्चन ये है. बन पाएगा क्या आप लोग से? तो 1/3 को निकाल दो. दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 120 वोल्ट सप्लाई. क्वेश्चन कंप्लीटेड हो गया है सारे बच्चे लिख लिए मिटाए. देखो सॉल्यूशन में C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू 9 पिको फैराडे दिया ना. B इक्वल टू 120 वोल्ट दे दिया है. सबसे पहला काम तीन कैपेसिटर सीरीज में क्या किए कनेक्ट कर दिए. इसमें 120 वोल्ट भी सप्लाई कर रहे हैं C1 C2 C3. जैसा कि हम लोग जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 क्लियर. तो 1/C = 1/9 + 1/9 + 1/9 तो 1/C = LCM जब लेंगे तो 9 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा 3/9 3 3 9. तो C = कितना आ गया 3 पिको फैराडे क्योंकि पिको फैराडे को हम लोग चेंज नहीं किए थे. क्लियर. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये एक नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हारे पास मिल गया. क्लियर. फटाफट नोट करो. कंप्लीटेड. अब
इसी में हमको दूसरा क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन क्या निकालना है, मान लीजिए यहां पर तो डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल हो जाएगा V1, V2 और V3, फिर फाइनली तीनों मिले क्या है 120 वोल्ट इज अप्लाई है। इट मींस दूसरा नंबर को हम लोग लिख सकते हैं, जिसे बनाए थे V=V1+V2+V3 लिख सकते हैं। तो आप बताओ V=QC पढ़ा है, तो V=Q/C1+Q/C2+Q/C3 वी कैन राइट। तो V का वैल्यू कितना दिया है, 120 दिया है। तो 120 = Q/ कितना आया था, 9 आया था ना। फ्री आया था, तो देखो यहाँ पर 120 = LCM जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, तो Q+Q+Q, तो 120 = 3Q/9 होगा, बोलता नहीं है। थ्री क्यू इक्वल टू 120 × 9 लाइक लिख सकते हैं। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 × 9/3 360 कूलम, पिको कूलम, क्योंकि हम लोग चेंज नहीं किए, 360 पिको कूलम। यहां तक तो हमको आ गया। अब बोल रहा है कि सबका पोटेंशियल अलग अलग निकालिए, तो चार्ज तो सब में सेम ही रहेगा, चार्ज तो सेम रहेगा। तो अब तुम खुद से ई वाला दो लाइन मिटा क्या ऊपर वाला, तो तुम खुद से सोचो ऐसे कि जब V1 निकालेंगे तो QY क्या होगा, C1 होगा। Q का वैल्यू 360 और C1 का वैल्यू 9, 40 पिको, V1 इक्वल टू क्या, Q/C1, तो Q का वैल्यू कितना, 360/9 40 आएगा, तो 40 क्या होगा, वोल्ट। V2 भी निकालेंगे तो Q/C2 होगा, तो Q का वैल्यू तो 360 है, हैं? सब में सेम आएगा, क्योंकि हमारा कैपेसिटर क्या है, 9 पिको फैराडे का है। क्लियर। तो V2 तुम निकाल लो बाबू और V3 तुम निकाल लो। कोई परेशानी यहां तक, थोड़ा मोड़ा भी? मिटा दें? नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लेट्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ 2 फैराडे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर गिवेन दैट द सेपरेशन
between the plate is 0.5 centimeter. क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया निकालिए प्लेट का, टू फैराडे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है और गिवन भी दिया हुआ है कि दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है। तो बाबू सी इक्वल टू तुमको दिया है 2 फैराडे, एरिया निकालने बोल रहा है, व्हाट डिस्टेंस दिया है 0.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 0.5 × 10⁻²⁰ मीटर, कोई प्रॉब्लम? तो आप बताओ कि तुम लोग पढ़ा था C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी, जल्दी बताओ। हेलो, तो S निकालना है ना हमको, तो C इंटू डी बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। We can write S equal to C into D by epsilon naught. तो आप बताओ C का वैल्यू और D का वैल्यू 0.5 × 10⁻²⁰ मेरा गलती, epsilon naught का वैल्यू 8.85, सर नीचे ना है, नीचे है 8.85 × 10⁻²⁰, ठीक है। अब देखो बच्चा लोग, 5 × 2 = 10 होगा, तो 1 × 10⁻²× 10⁻½, कहाँ से ले गए, नीचे से ऊपर ले गए, बाय 8.85, कोई प्रॉब्लम? तो 10⁻¹० बाय 8.85 वी कैन राइट, तो 10⁻½ बाय 8.85, कोई प्रॉब्लम? इसको पॉइंट उड़ा दिए, ऊपर भेज दिए, तो एस इक्वल टू डिवाइड करो 1 / 8.85, तो तुमको आएगा 0.001129 × 10⁻½, तो S इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0.11299 × 10⁻¹० दो डिजिट आगे बढ़े हैं, माइनस हो गया सर, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं S इक्वल टू 1130 राउंड फिगर में ले लिया, इंटू 1 2 3 4 5, सॉरी 1 to 9 था ना, ठीक है, इंटू 10⁻⁶ ले सकते हैं, कोई दिक्कत? आंसर हो गया वहां, ऐसे ये मीटर स्क्वायर आएगा, अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके देखोगे आंसर किलोमीटर में दिया होगा 1130 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है ना, यहां भी छोड़ सकता है, यहां भी छोड़ सकता है, कोई जरूरी नहीं कितना हम ला के देखें, यहीं पर आंसर छोड़ो।
आगे बढ़े। बोलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन है द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्वेश्चन सुन के लिखो ना बाबू, गजब कर रहा है। द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव एन एरिया ऑफ 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ईच एंड each are separated by 12.5 mm, मतलब मिलीमीटर। the capacitor is charged by connecting around 20 minutes connecting it to 9400 volt supply question complete कर लिए। हाँ 9400 वोल्ट। सॉरी कितना क्वेश्चन में है, 400 वोल्ट होगा जी, 400 वोल्ट यहाँ ठीक लिखे। देखिए गिवन है आपको एरिया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको बदल दिए मीटर में, तो 90 × 10⁻⁴ मीटर और डिस्टेंस इक्वल टू दिया 2.5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, मतलब 2.5 × 10⁻³ मीटर और V इक्वल टू 400 वोल्ट, U इक्वल टू वाट। ठीक है मिटा दें। अब बताओ U इक्वल टू तुमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हाफ सी बी स्क्वायर पढ़ा था, U इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर पढ़ा था ना। तो आप बताओ U इक्वल टू हाफ, C इक्वल टू क्या पढ़ा था,
एप्सिलॉन नॉट एस बाय टी इंटू वी स्क्वायर होगा। अब यू इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10^-12 और एस का वैल्यू 90 इंटू 10^-4 और वी स्क्वायर का वैल्यू 400 इंटू 400 स्क्वायर है बाय डी तो 2.5 इंटू 10^-3। यहाँ तक कोई परेशानी है किसी को? देखो 245 टू जो 90 होता है, बोलो ये कट जाएगा, इसका पावर कट जाएगा, एक बचेगा ना 10। तो U इक्वल टू क्या हो गया 8.85 इंटू 10^-12 इंटू 45 इंटू 400 इंटू 400 बाय 2.5। किसको निकाल दें? 10^1 पर सर। कहाँ पे? 10^1 बताए वो सर ना। 10^-1 ना, सॉरी सॉरी, हाँ ध्यान ही देते हैं ऐसे 10^-1 इंटू 10^-1 तो लेके चले आप नीचे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा करेंगे कहानी खत्म हो जाएगा। बोलो लो इसको उड़ा दो ऐसे, ये और ये कहानी खत्म, कोई दिक्कत? काटो कोई दिक्कत? और बोलो और काट दे, 80 कर देते हैं ना, इसको काटते हैं ना, कोई दिक्कत? अब गुणा करो 8×3200 है ना, 3200×9×8.85 इंटू 10^-12 नीचे उड़ाओ 100 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ना भाई, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस ना होगा, 14 हो जाएगा। तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा तो अरे 3200 जाएगा ना, 2 0 1 3 0 होगा ना, 32,000 होगा। तो क्या हो जाएगा तो 8.85 इंटू 10^-14 है ना। कैलकुलेट करेगा इसको तो वी यू इक्वल टू क्या आ जाएगा तुमको 2.25 इंटू 10^-6 जूल। कोई दिक्कत?
done it. Question. Three capacitor of capacitance. Capacitor of capacitance. 2 picofarad. 3 picofarad. And 4 picofarad. Are connected in parallel. Connected in parallel. A number question. What is the total capacitance? What is the total capacitance? Capacitance of the combination. बन जाएगा सर। तो बी नंबर क्वेश्चन भी तुमसे बन जाएगा। डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज connected to a 100 volt supply फटाफट बना के दिखाओ जल्दी से। तुम क्वेश्चन लिख लिया completed? Yes, जल्दी तुम भी बनाओ और हम भी बनाते। मेरा बन गया 9 picofarad ए नंबर। V number Q1 equal to C1V the 2 into 10 to power minus 12 into 100 बराबर कितना आ जाएगा 2 into 10 to power minus 10 कूलम Q1 मिटा दे क्वेश्चन नीचे वाला। Q2 बराबर क्या होगा C2 into V तो 3 दिया ना 3 into 10 to power minus 12 into 100 तो 3 into 10 to power minus 10 कूलम। Q3 equal to क्या होगा Q3 भी 4 into 10 to power minus 12 into 100 ठीक है तो 4 into 10 to power minus 12 कूलम सॉरी 10 कूलम ना। क्लियर मिटा दें। देखिए कल भर और न्यूमेरिकल मतलब कि अगला क्लास और न्यूमेरिकल लेंगे ठीक है ना एक क्लास और उसके बाद बैंडिंग अल्टरनेटर पढ़ाएंगे आप लोगों को। तब तक हम आप लोग पीडीएफ भेज देंगे कल भी मतलब अगला क्लास भी न्यूमेरिकल ही चलेगा। ओके बाय गुड डे।